यस सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स हाउ आर यू फीलिंग गुड वेरी नाइस दिस इज योर ई वी एस क्लास एंड आई एम योर टीचर तृप्ता है बच्चों चलो आज कुछ बातें करते हैं बातें करना बातें करने को कहते हैं कॉम्युनिकेट करना बातचीत करना वार्तालाप करना उसे कहते हैं कॉम्युनिकेट हाउ वी कॉम्युनिकेट हम कैसे बातें करते हैं अपनी बात हम दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें हम तक कैसे पहुंचती हैं इस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन बेटा कम्युनिकेशन में ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे आप चाहते हो आपकी बात कोई सुने वैसे ही आप दूसरे की बात को भी ध्यान से सुने सुनाना ही नहीं होता सुनना भी होता है सुनिए समझिए और फिर जो सही है वो कीजिए कम्युनिकेशन में बेटा इम्पॉर्टेंट होता है पहला तो वो इंसान जो इन्फॉर्मेशन देता है जो कोई जानकारी उसके पास है वो दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा इंसान होता है रिसीवर एक होता है इन्फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन देता है और दूसरा होता है रिसीवर जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उस बात को सुनता है समझता है इनफॉर्मर एंड रिसीवर टू पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के तो इन्फॉर्मेशन देना इन्फॉर्मर बनना गुड लेकिन उतने ही अच्छे हमें लिसनर रिसीवर भी होना चाहिए ठीक है अब कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ हमें कम्युनिकेट करना क्या है बात तो करनी है लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास मटेरियल भी तो होना चाहिए डिस्कस करने के लिए तो वो मटेरियल कहलाता है इंफॉर्मेशन नॉलेज अगर हमें कोई बात डिस्कस करनी है तो जरूरी होता है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड जानकारी उसके बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान हमें होना चाहिए तभी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है कि बातचीत जो होती है वो आ, आज के टाइम में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है अपनी बात किसी तक पहुंचानी है इट्स वेरी मच इजी हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं टीवी यूज़ करते हैं मोबाइल रेडियो एवरीथिंग इज़ देयर और सबसे इम्पॉटेंट फ़ोन एक फ़ोन करो और जो बात आपको जिस मर्ज़ी जो इंसान जहाँ मर्जी बैठा है दुनिया के किस कोने में किसी भी कोने में बैठा हुआ है उस तक वो बात पहुँच जाएगी आप मैसेज सेंड कर सकते हो अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैसेज कर सकते हो मेल आप लोग सेंड कर सकते हो ईमेल सेंड कर सकते हो या फिर आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हो आज के मॉडर्न टाइम में इट्स वेरी मच इजी लेकिन पुराने टाइम में कैसे देते होंगे इन्फॉर्मेशन जब ना टीवी ना फ़ोन कुछ नहीं था अब आपने एक इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी थी टू विक टू स्मॉल वर्क बुक में जिसमें जग्गू और दिया जो थे वो फ्रेंड्स थे जग्गू ने जैकॉल देखा था और उसने दिया को मैसेज कन्वे किया था एक मशाल जला करके तो वो तरीके थे जब पुराने ज़माने में मैसेज कन्वे किए जाते थे कैसे जैसे जग्गू ने मसाल बना करके एक्स ड्रॉ करके उन लोगों को ख़तरे का डेंजर का साइन दिया था या फिर आपने टी में देखा होगा जैसे ढोल बजाते थे सुनो 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 फिर वो इन्फॉर्मर होता था ढोल बजाने वाला या जो भी होता था उस वो अपनी बात जनता को सुना देता था कबूतर के पैरों में मैसेज बांधा जाता था लेटर बांधे जाते थे एंड आई डोंट नो क्या वो कौन सा वो वे था कौन सा मेथड था कि कबूतर ठीक उसी इंसान के पास जाता था जिसे मैसेज देना होता था या फिर कोई घोड़े पे बैठ के लेटर यहाँ से वहाँ लेके जाता था धुआँ जलाकर आग जलाकर इस तरीके से मैसेज कन्वे किए जाते थे और वो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो टाइम लगता था सेकेंडली वो मैसेज इधर का उधर भी हो सकता था लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है अब हम लोग अपनी बात आसानी से बड़े आराम से और इंटरनेट की वजह से तो इट्स वेरी मच इजी बहुत ही इजी है कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं नेक्स्ट जो समझने वाली बात है जो आपके चैप्टर की थीम है वो है कि अगर हम लोग अपनी बात अपने मतलब किसी एक इंसान तक पहुंचा रहे हैं वन टू वन उसे कहा जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स जब कोई बात एक इंसान ने सिर्फ किसी दूसरे एक इंसान को बता रखी है वो होता है पर्सनल जैसे लेटर लिखा जाता है पर्सनली लिख दिया तो वो लेटर उस इंसान तक पहुंच जाएगा वो बात कन्वे हो जाएगी कॉल कर ली या फिर आप लोगों ने मैसेज सेंड कर दिया मेल कर दी ये सारे तरीके जो हो गए ये हो गए वन टू वन कम्युनिकेशन के जहां पर बात जो होती है वो सिर्फ आगे एक इंसान को आप कन्वे कर रहे हो दूसरी दूसरा जो टाइप हो गया दूसरा जो तरीका हो गया वो हो गया वन टू मैनी कम्युनिकेशन एक बात जब एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुँचाई जाती है जैसे अभी टीचर बोल रही हैं उसको थर्टी बच्चे सुन रहे हैं फिफ्टी सुन रहे हैं हंड्रेड सुन रहे हैं टू हंड्रेड सुन रहे हैं एक टीचर इनफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रही हैं वे फ़ोन रास्ता क्या है मोबाइल फ़ोन इंटरनेट ऐसे ही जैसे न्यूज़पेपर हो गया तो न्यूज़पेपर का आपको पता है कि हाँ उसकी कॉपीज अलग अलग होती हैं बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं लेकिन खबर एक ही होती है और उससे एक खबर को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तरीका एक है न्यूज़पेपर और खबर जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है आगे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो टीवी का टीवी पे न्यूज़ बोलने वाला एक इंसान होता है लेकिन सुनती पूरी दुनिया है यह गाना गा रहा है कोई तो गाना गाने वाला एक ही इंसान है लेकिन सुनने वाले बहुत सारे हैं मीन्स एक बात जो होती है एक इंसान के द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जा रही है चाहे फिर वो आपका रेडियो हो गया चाहे वो आपका टीवी हो गया बेटा आज के टाइम में कम्युनिकेशन करना जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूं इजी है चैप्टर में हम लोग सीखेंगे वन टू वन कम्युनिकेशन एंड वन टू मैनी कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन क्या क्या है सबसे ज़रूरी कॉम्युनिकेशन होता क्या है हाउ वी कॉम्युनिकेट कॉम्युनिकेशन जब भी बेटा आप करें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने आपको हमेशा समझाई है और हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आप लोग बातचीत करें मस्ट बी पोलाइट सन्सियर पोलाइट एंड स्वीट इस तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाओ अगर दूसरा इंसान सपोज करो गुस्से में है आपकी बात नहीं सुना है तो पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट एक घंटा एक दिन एक हफ्ता एक महीने का पॉज दे दो उस इंसान को सोचने पे मजबूर करो कि आप उसका भला कर रहे हो आप उसका बुरा कर रहे हो लेकिन गुस्सा कभी नहीं करना जिद कभी नहीं करनी हमेशा पोलाइटली हमेशा स्वीटली बात करनी है रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है जी लगाकर बात करनी है मम्मा जी पापा जी माँ जी ठीक है इस तरीके से बेटा रिस्पेक्टफुल वे से अगर आप लोग और पोलाइटली अपनी बात किसी के आगे रखोगे तो आपकी बात मींस ये समझ लो कि आपके शब्द जो होते हैं वो मोती बन जाते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शब्द आप लोग यूज़ कर रहे हो एक आप गुस्से में वही शब्द बोल रहे हो और एक आप रिक्वेस्ट के वे में या आप लोग प्यार से उस बात को रख रहे हो तो वो बात करने के तरीके से ही हमारे कई काम जो होते हैं वो बन जाते हैं बिगड़ जाते हैं सही बात करो अच्छे से बात करो प्यार से बात करो रिस्पेक्ट से बात करो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग समझे आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं हाउ वे कॉम्यनिकेट हम लोग बातचीत कैसे करते हैं मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन वन टू वन कॉम्यनिकेशन मीन्स जहाँ पर एक बात को एक ही इंसान तक पहुँचाया जाता है इसमें आ जाते हैं जैसे आप लोगों के लेटर हो गए ईमेल हो गया या टेलीफोन हो गया फ़ोन फ़ोन वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आजकल के फोन्स में मर्ज कॉल का भी ऑप्शन चल रखा है जिसमें आप एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो बट इट्स ओके अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आप लोगों को एग्जाम्पल जो बताए गए हैं वो है लेटर ई मेल एंड फ़ोन सेकेंड वन इज़ मीन्स ऑफ वन टू मैनी कम्युनिकेशन जहाँ पर एक बात को एक इंसान के द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जाता है

ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट वर्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ईच ऑफ दैम इज शोइंग वन टू वन और वन टू मैनी यहाँ पर जो पिक्स दे रखी हैं इन्हें देखिए इन्हें समझिए और फिर बताइए कि ये वन टू वन कॉम्युनिकेशन है या वन टू मैनी कॉम्युनिकेशन है इनके नाम नहीं लिखने हैं आपको लिखना है वन टू वन या वन टू मैनी जैसे लेटर हो गया लेटर वन टू वन कम्युनिकेशन ही होता है टीवी वन टू मैनी न्यूज़पेपर वन टू मैनी चैप्टर रीड करेंगे बेटा व्हेन अ पर्सन टॉक्स टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। बातें करना बातचीत करना जब इंसान किसी एक इंसान के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहा है उसे कहते हैं कॉम्युनिकेशन वार्तालाप बातचीत अ पर्सन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन थाट्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स विद एन पर्सन बाई कम्युनिकेटिंग ये क्यों किया जाता है कम्युनिकेशन बातें करना ज़रूरी क्यों है क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स हमें अपने थाट्स हमें अपने आइडियाज़ या कोई ऐसी बात जो हमें पता है वो हमें दूसरे लोगों को बतानी है मैंने आपको बताया भी कि जैसे हम लोग कम्यनिकेशन करेंगे बातचीत करेंगे तो ज़रूरी है कि हमारे पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो उस बात की हमें जानकारी हो ठीक है अब जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो हर जगह बात चलती है कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस की तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है है क्या इसे क्या होता है क्या सिम्टम होते हैं कैसे इसका प्रिकॉशंस हैं कैसे बचा जा ये इंफॉर्मेशन अगर आपको होगी तभी तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक गेम आप मान के चलो ठीक है सपोज करो अगर आप लोग वो गेम खेल रहे हो अगर आपको उसके रूल रेगुलेशन आपको टैक्टिस, ट्रिक्स पता है तब तो आप उसे फुल इन्जॉय के साथ खेलोगे अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे फिर आप थोड़ा टाइम लोगे उसे समझोगे फिर आप लोग इन्जॉय कर सकते हो उस गेम को वही बात कम्युनिकेशन में है कि बातें करने का मज़ा तभी आएगा जब आपके पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ थाट्स कुछ आइडियाज कुछ फीलिंग्स हों देर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट बातें करने के बहुत सारे तरीके हैं दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उन्हें हम बातचीत के साधन वार्तालाप के साधन कह सकते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन अब यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन टू वन कम्युनिकेशन जब जिसे पर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है वेन वी कम्युनिकेट विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम एक टाइम पे जब हम एक इंसान से बात कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड वन टू वन और पर्सनल कम्युनिकेशन, तो इसे हम वन टू वन कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं देर आर वेरियस मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिटेल में पढ़ेंगे उसे फर्स्ट वन इज लेटर्स लेटर मीन्स पत्र विंड लेटर्स टू पीपल फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मैन डिलीवर लेटर्स टू अस लेटर्स टेक अ फ्यू डेज टू रीच अस लेटर हम लोग वैसे अब भी तो ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है लेकिन पहले आ, कुछ टाइम पहले पाँच साल दस साल पंद्रह साल पहले काफ़ी ट्रेंड में थी ये बातें कि जब लेटर लिखे जाते थे चिट्ठियाँ लिखी जाती थी पत्र लिखे जाते थे इन पत्रों को फिर प्रॉपर जो एनवेलप होता है उसमें डाल करके उसके ऊपर एड्रेस लिखा जाता था उस इंसान का जिसे लेटर भेजना है स्टैम्प लगा करके प्रॉपरली उसे पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता था थ्रू पोस्ट ऑफिस सारा प्रोसीजर होता था कि हाँ अब यह लेटर कहाँ पहुँचेगा बसेस के थ्रू प्लेन्स के थ्रू ट्रेन्स के थ्रू ये लेटर्स भिजवाए जाते थे डिपेंड करता था कि लेटर कहाँ जाएगा ठीक है और लेटर जो होता था जहाँ उसे पहुँचना होता था जिस इंसान के पास वो लेटर पहुँचना होता था वहाँ पहुँचने में उसे आठ से दस दिन आराम से लग जाते थे तो ये काफ़ी ट्रेंड में था ये किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा लेटर्स का यूज़ किया जाता था लेकिन अब क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो अब थोड़ा सा ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है अब इन लेटर्स को घर घर जाकर देखो यहाँ से लेटर किसी ने पोस्ट किया टिका लेटर लिखा एंडवेल्प में डाला उस पर टिकट लगाई स्टैंप लगाई जाकर के पोस्ट बॉक्स में डाला फिर पोस्ट ऑफिस वालों ने उसे निकाला फिर उन्होंने छटाई की कि कौन सा लेटर कहाँ कहाँ भेजना है उसके बाद उनको बसेस या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उनके थ्रू अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस उनको भेजा गया उसके बाद वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ पर उनको फिर से अलग अलग किया जाएगा कि कौन सा लेटर कौन सी जगह पे भेजना है उसके बाद वो लेटर जो होते थे पोस्टमैन के हवाले किए जाते थे और पोस्टमैन घर घर जा करके कर के वो चिट्ठियाँ देकर आते थे बहुत लंबा प्रोसेस था ये इन ऑर्डर टू सेंड अ लेटर वी नीड पोस्टेड स्टैम्प स्टैंप्स की हमें ज़रूरत पड़ती थी पेस्ट एनी टू पोस्टेड स्टैम्प इन देश गिवन ब्लो अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर आप लोग स्टैंप्स लगा सकते हो क्योंकि आपकी ये थोड़ा सा मुश्किल है ई मेल आप लेटर भी कम लिखे जाते हैं और अब स्टैम्प्स वैसे मिल जाएगी आपको लेकिन आपको या तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर आपके नियर बाई किसी शॉप पे पूछ लीजिएगा जहाँ पे मिल सके आपको उस टाइम सेकेंड ऑप्शन है वन टू वन कम्युनिकेशन का ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम लैपटॉप के थ्रू या फोन के थ्रू हम लोग भेजते हैं एंड ई मेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल वी कैन सेंड मैसेज टू पीपल मच फास्टर थ्रू ई मेल्स एंड ई मेल कैन बी सेंड फ्रॉम अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन ये जो ई मेल है बेटा इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल वी कैन सेंड मैसेज टू पीपल मच फास्टर थ्रू ई मेल्स ई मेल बेटा बहुत जल्दी मीन्स यहाँ से अगर मेल सेंड की जाए तो विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स वो जहाँ पर उसे जिस इंसान को भेजा गया है उस इंसान तक पहुंच जाती है यह काम किया जाता है लैपटॉप के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू या आपके फोन के थ्रू भी ये काम होता है थर्ड है टेलीफोन वो तो आप सभी को पता है फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन नाउ वर्ड इज वी यूज मोबाइल फोन्स दे आर मेड कम्युनिकेशन फास्ट एंड इजी टेलीफोन जो है वो सबसे तेज सबसे फास्ट है बस कोई खबर मिली फटाफट फड़ नंबर डायल किया और मैसेज कन्वे किया आज के टाइम में बेटा जैसे मोबाइल फ़ोन भी यूज़ हो गए हैं पहले ज़माने में टेलीफोन यूज़ होते थे अब मोबाइल फ़ोन भी यूज़ होने लगे हैं और इनकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है जो हमारा बातचीत करने का ढंग है जो हमारे बातचीत करने की स्पीड है वो जल्दी हो गई है अब हम जल्दी से अपनी इंफॉर्मेशन अपना कम्युनिकेशन कन्वे कर सकते हैं अपनी बात हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग वन टू मैनी कम्युनिकेशन ये था वन टू वन कम्युनिकेशन अब पढ़ेंगे वन टू मैनी कम्युनिकेशन जब एक बात बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाई जाती है वेन अ पर्सन कम्युनिकेट आइडियाज़ और थाट्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड वन टू मैनी कम्युनिकेशन। जब कोई इंसान कोई बात एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाई जा रही है तो उसे कहते हैं वन टू मैनी कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वन वे कम्युनिकेशन। ये मोस्टली वन वे कॉम्युनिकेशन होता है देखो अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो या लेटर लिख रहे हो मेल सेंड कर रहे हो तो वो इंसान भी आपको रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा ठीक है अब फोन पे आप उसी इंसान को करोगे जिससे आप जानते हो पहचानते हो तो वो भी कभी ना कभी किसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आपको फ़ोन करेगा मेल करेगा या लेटर लिखेगा कुछ भी लेकिन ये जो वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है इसमें मोस्टली एक इंसान बोलता है और बाकी सारे सुनते हैं जैसे गाना कोई गा रहा है टीवी पे तो जो शब्द वो बोल रहा है वही शब्द बोले जाएंगे वही सुने जाएंगे उसमें दूसरा इंसान करेक्शन नहीं कर सकता कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे गाओ नो वो जो उसने गा दिया जो रिकॉर्डिंग हो गई वही हमें सुननी होगी इसे हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन भी जो वो कह रहे हैं वो हमें सुनना पड़ेगा जैसे न्यूज़ में जो हमें बताया जाता है हम लोग वही सुनते हैं हमारे थॉट्स होते हैं हमारे अपनी सोच होती है लेकिन उसे हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं जो इंसान हमें बता रहा है उसके साथ हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते सम ऑफ द मीन्स यूज फॉर सच कम्युनिकेशन आर गिवन बलो इसके कुछ एग्जाम्पल वन टू मैनी कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं फर्स्ट वन इज़ न्यूज़ पेपर सबसे पहला है न्यूज़ पेपर वी नीड अ न्यूज़ पेपर फॉर न्यूज़ न्यूज़ पेपर क्यों पढ़ते हैं क्योंकि क्यों उनसे हमें खबरें मिलती हैं उनसे हमें न्यूज़ मिलती हैं दीज डेज वी कैन रीड न्यूज़ पेपर ऑन कंप्यूटर टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन अब देखो ये जो न्यूज़ पेपर हैं ये भी हमारे फ़ोन में आ जाते हैं आपने देखा भी होगा फ़ोन में न्यूज़ आती रहती हैं लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती हैं स्मार्टफोन हो गए चाहे लैपटॉप हो गए उन सभी में ये फंक्शन होता है रेडियो वी यूज़ रेडियो फॉर लिसनिंग न्यूज़ एंड सॉन्ग्स गाने सुनने के लिए या न्यूज़ सुनने के लिए हम रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं और रेडियो भी आपके फ़ोन में होता है टेलीविज़न वी वॉच डिफरेंट प्रोग्राम्स मूवीज़ एंड न्यूज़ ऑन टेलीविज़न टी वी पर बेटा आपको पता ही है एंटरटेनमेंट भी होता है न्यूज़ भी होते हैं एजुकेशन भी होती है डिस्कवरी चैनल भी होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो तो इस तरीके से टीवी भी वन टू मैनी कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है डो यू यूज़ एनी मीन ऑफ वन ऑफ वन टू मैनी कॉम्युनिकेशन हाँ जी टी वी तो यूज़ करते ही हैं सभी वट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट इससे आपको क्या मिलता है क्या सीखने को मिलता है क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे हमें न्यूज़ मिलती हैं एजुकेशन मिलती है एनिमल से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती हैं स्टडी से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती हैं और इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ आप लोग टी वी पर देख सकते हो सम ऑफ द अर्ली मोबाइल फोन were सो बिग दैट दे हैव टू बी कैरिड इन the केस हाँ जी बेटा पुराने जमाने के जो फोन थे वो काफी बड़े हुआ करते थे टीवी में या मूवीज में आपने देखा भी होगा वो एक ही जगह पे रखे जाते थे उन्हें अभी जैसे आपके स्मार्टफोन हो गए आपके मोबाइल फ़ोन हो गए ये तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप साथ में लेके जा सकते हो लेकिन पुराने ज़माने के जो फ़ोन थे वो एक ही जगह पे रखे रहते थे काफ़ी बड़े होते थे साइज में When a person communicates ideas or thoughts to a large number of people at the same time, it is called one-to-many communication. Got it? One-to-many communication. Words to know. Personal communication. A type of communication which is done with only one person at a time. Email. Electronic mail sent through a computer or smartphone. Smartphone. A mobile phone that has some features of a computer, such as access to the internet and applications. गॉटेट बेटा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है वन टू वन कम्युनिकेशन अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ डन विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम वन टू वन कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या लिख सकते हो वन टू वन कम्युनिकेशन ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल सिर्फ इतना ही लिखोगे ई मेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है इसे ये तो आपको पता है स्मार्टफोन या कंप्यूटर के थ्रू इसे हम भेजते हैं स्मार्टफोन अ मोबाइल फोन दैट हैज़ सेम सम फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एंड एक्सेस टू द इंटरनेट एंड एप्लीकेशंस इसमें एप्स होते हैं आपके फ़ोन में इंटरनेट होता है आपके फ़ोन में और कुछ कुछ इसकी फीचर जो होती हैं बिल्कुल आपके कंप्यूटर के जैसे ही होती हैं उसे कहते हैं स्मार्टफोन द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान उसे हम वार्तालाप कहते हैं देर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कॉम्युनिकेट अलग अलग तरीके हैं वार्तालाप करने के दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उन्हें हम वार्तालाप के साधन कहते हैं लेटर्स ई मेल्स एंड टेलीफोन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन वन टू वन कम्युनिकेशन जो है उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं लेटर ई मेल एंड टेलीफोन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़ पेपर रेडियो एंड टेलीविज़न रेडियो न्यूज़ पेपर टेलीफोन के थ्रू हम बहुत सारे लोगों के साथ एक समय पर बात सकते हैं कर सकते हैं ड्रॉ अ लाइन टू मैच वेदर दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वन टू वन और वन टू मैनी कॉम्युनिकेशन मैच करना है आपको सबसे पहले लेटर है रेडियो है न्यूज़ पेपर टी वी एंड कम्प्यूटर अब यह वन टू वन है या वन टू मैनी है वो आप लोग जज करेंगे वट इज़ कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन क्या है शेयरिंग ऑफ आइडियाज

यह एक टैबलेट है एक स्मार्टफोन हो सकते हैं और इसमें न्यूज़ दिखाई जा रही हैं इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ वन टू मैनी कॉम्युनिकेशन नो ये वन टू मैनी कॉम्युनिकेशन है इसमें एक न्यूज़ को एक टाइम पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं ने मैनी टू सिमिलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज़ टू तो गेट इन्फॉर्मेशन टी वी रेडियो लिख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स विल their देयर रेजिडेंस एड्रेस दे विल गो टू अ पोस्ट ऑफिस विद एन एडल्ट एंड पोस्ट लेटर टू देयर क्लासमेट फाइंड आउट हाउ many डेज इट टेक टू रीच दे वुड शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द क्लास अब आप लोगों को कहा गया है वैसे कोरोना वायरस चल रहा है ज़रूरी नहीं है ये बात करना लेकिन समझा देती हूँ जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तब आप लोग ये काम कर लीजिएगा इसमें आपको अपने किसी बड़े के साथ एल्डर के साथ पोस्ट ऑफिस सबसे पहले तो एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को फिर पोस्ट ऑफिस जाना है स्टैंप वगैरह लगा करके उसे पोस्ट करना है और फिर अपने क्लासमेट को आप ये लिखोगे लेटर लिखोगे उनसे आपको ऑब्ज़र्व करना है कि ये कितने दिनों बाद आपके फ्रेंड तक पहुंचेगा आपका लेटर स्टूडेंट विज लिसन टू ऑल इंडिया रेडियो फॉर फिफ्टीन मिनट्स एट होम लॉकडाउन हो रखा है काफ़ी टाइम है आपके पास तो एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट के लिए आपको कहा गया है कि आपको रेडियो सुनना है दे विल नोट डाउन दे दियर्ड एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद द क्लास सुनना है और फिर क्लास में बताना भी है कि आपने क्या सुना दे विल आल्सो एक्सप्लेन हाउ दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टेलीविज़न फिर आपको बताना है कि जो आप टीवी पे देखते हो और जो आपने रेडियो में सुना उसमें क्या डिफरेंस है ठीक है लास्ट में आपको सेल्फ जजमेंट करनी है कि आपको वन टू वन कम्युनिकेशन जो है वो समझ आ चुका है आप बता सकते हो वन टू वन कम्युनिकेशन क्या होता है और क्या उसके एग्जाम्पल हैं अगर कर सकते हो तो आई कैन डू इट पे क्लिक कीजिएगा अगर नहीं तो आई कैन डू इट विद हेल्प पे टिक कीजिएगा नेम ऑफ वेरियस मीन्स यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ मैनी पीपल वन टू मैनी कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स अगर समझ में आ गए हैं तो आई कैन जो पिक टिक कीजिएगा बेटा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो ही कैन कॉल मी आप किसी भी टाइम पे मुझे कॉल कीजिए पूछिए एंड रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग ज़रूर करनी है बेटा ठीक है गट इट Okay, thank you. Have a good day.